नो डाइज एंड नो पैराबेंस। तो ये कौन सा शैम्पू है जिसमें डाइज भी नहीं है और पैराबेंस भी नहीं है? ये है मेरे पास ट्रेज़मे का नरिश एंड रिप्लेनिश शैम्पू। आज की वीडियो में हम इसका रिव्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ट्रेज़मे का जो रेड वाला केराटिन स्मूथ शैम्पू है उसका रिव्यू ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर कर चुकी हूँ। तो फिर मैंने ये वाला देखा जो कि है नरिश एंड रिप्लेनिश, फिर मैंने इसको परचेज किया, मैंने सोचा ये ट्राई करती हूँ। तो अगर पैकिंग की बात की जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है विद कोकोनट ऑयल एंड एलोवेरा और अगेन नो डाइज नो पैराबेन साथ में लिखा हुआ है फॉर स्मूथ शाइनिंग एंड विजिबली हेल्दी हेयर। बैक साइड देखें तो इसकी प्राइस लिखी हुई है जो कि है 470 रुपीज़। साथ ही इसकी कुछ तारीफें लिखी हुई हैं, इंग्रेडिएंट्स लिखी हुई हैं और मैन्युफैक्चरर्स की डिटेल लिखी हुई है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं इसके रिजल्ट की। प्राइस तो आपको बता दी 470 रुपीज़। अगर मैं रिज़ल्ट को कंपेयर करूँ इसके जो रेड वाला शैम्पू है तो मुझे उसका रिज़ल्ट केराटिन स्मूथ वाले का रिज़ल्ट ज़्यादा बेहतर लगा इस वाले शैम्पू की निस्बत। अगर यहाँ पर इसकी पैकिंग की बात की जाए तो बहुत ही इजी टू यूज़ पैकिंग है, क्योंकि अक्सर बंदा शावर में होता है तो हाथ स्लिपरी होते हैं, लेकिन ये बहुत ही ईजिली ओपन और क्लोज हो जाता है। तो इस लिहाज से मुझे ट्रेज़मे की जो शैम्पूज़ हैं उनकी पैकिंग बहुत अच्छी लगती है। लेकिन बात हो रही थी रिज़ल्ट की, तो इसको यूज़ करने के बाद बाल कुछ ना कुछ बेहतर तो होते हैं, मतलब हाथ लगाने से थोड़ा बहुत सिल्कीनेस आ गई है, लेकिन जो रेड वाले शैम्पू का जो अच्छा रिज़ल्ट था वो इतना अच्छा रिज़ल्ट इस वाले शैम्पू का नहीं है। इसलिए ये वाला जो शैम्पू है ये मेरी तरफ़ से रिकमेंडेड नहीं है। अगर आपने पैसे लगाने ही हैं, ख़रीदना ही है ट्रेज़मे का शैम्पू, तो आप इसका रेड वाला केराटिन स्मूथ शैम्पू परचेस करें, उसका जो रिजल्ट है वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, यहां पर जो उन्होंने लिखा हुआ है नो डाइज और नो पैराबेंस, तो पैराबेंस जो हैं वो ज़्यादातर कैंसर के साथ एसोसिएटेड होते हैं। मतलब कहा जाता है कि पैराबेंस यूज़ करने से कैंसर का होने का ख़तरा मौजूद होता है, लेकिन इस शैम्पू के अंदर उन्होंने पैराबेंस बिल्कुल भी शामिल नहीं किया, जो कि इसका प्लस पॉइंट है। क्योंकि आजकल ज़्यादातर यही है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ किया जाए ट्रेंड में होते हैं, क्योंकि उनके अंदर पैराबेंस और केमिकल्स शामिल नहीं होते। तो ये चीज़ इस शैम्पू की बहुत अच्छी है, लेकिन रिज़ल्ट मैं कहूँगी कि इनके जो दूसरी वेराइटी है केराटिन स्मूथ, रिज़ल्ट उसका बेहतर है। लेकिन अगर आपने ये शैम्पू यूज़ किया और आपको इसका रिज़ल्ट अच्छा लगा है तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। मैं आई वुड लव टू हियर योर फीडबैक। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं बहुत मेहनत से वीडियोज़ बनाती हूँ, मेरे चैनल पर बहुत सारे शैम्पूज़ की रिव्यूज़ मौजूद है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।